एक दफा फिर रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल फतह को सऊदी प्रो लीग में 5-0 से शिकस्त दी। तो नाजरीन, कहानी कुछ यूं है कि किंग ऑफ फुटबॉल रोनाल्डो ने एक दफा फिर से सऊदी प्रो लीग में हैट्रिक कर दी। तो मैच के शुरू होने के बाद 27वें मिनट में मानी ने गोल करके अपनी टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल करा दी। और फिर कुछ यूं हुआ कि किंग ऑफ फुटबॉल रोनाल्डो ने 38वें मिनट में गोल करके पहले हाफ के अहतमाम पर अपनी टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल करा दी। दूसरे हाफ की शुरू होती ही बादशाह फुटबॉल रोनाल्डो ने गोल करके अपनी टीम को 3-0 से बढ़तरी दिला दी। तो नाजरीन, गोल का सिलसिला यहाँ पर रुका ही नहीं कि 81वें मिनट में अफ्रीकन फुटबॉलर मानी ने गोल करके अपनी टीम को 4-0 की लीड दिला दी। 90 मिनट के अहतमाम पे एक्स्ट्रा टाइम की सूरत में 96वें मिनट में रोनाल्डो द मोस्ट फॉलोड फुटबॉलर इन द वर्ल्ड उसने गोल करके अपनी टीम को 5-0 की लीड दिला दी। इसी गोल के साथ अल नसर ने अल फतह को 5-0 से शिकस्त दे दी। पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर रोनाल्डो ने एक दफ़ा फिर से अपनी टीम के लिए हैट्रिक कर दी। तो नाज़रीन, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोनाल्डो ने अल नसर के लिए यानी कि सऊदी प्रो लीग में तीसरी दफ़ा हैट्रिक कर दी। चेल्सी ने एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद लूटन को 3-0 से शिकस्त दी। तो मैच की शुरू होने के बाद 17वें मिनट में स्टर्लिंग ने गोल करके अपनी टीम को 1-0 से लीड दिला दी। एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद पहले हाफ के अहतमाम पे चेल्सी 1-0 से आगे रही। तो नाजरीन, दूसरे हाफ के शुरू होने के बाद 68वें मिनट में स्टर्लिंग ने एक दफ़ा फिर से ज़बरदस्त गोल करके अपनी टीम को 2-0 से लीड दिला दी। इसी गोल के साथ चेल्सी की मैच में पकड़ और भी मजबूत हो गई। एक दफ़ा फिर चेल्सी की तरफ से जैक्सन ने 75वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को 3-0 से बढ़तरी हासिल करा दी। और इसी गोल के साथ चेल्सी ने लूटन को 3-0 से शिकस्त दे दी। दो गोल की बदौलत स्टर्लिंग प्लेयर ऑफ द मैच रहे। रियल मैड्रिड ने सेल्टा वीगो को एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दी। मैच की शुरू होने के बाद सेल्टा वीगो के प्लेयर ने एक ज़बरदस्त गोल की, लेकिन अंपायर की तरफ से ऑफसाइड करार दिया गया। पहले हाफ के अहतमाम पे दोनों टीमों की तरफ से एक ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया गया और स्कोर 0-0 से बराबर रहा। दूसरे हाफ की शुरू होने के बाद 65वें मिनट में रियल मैड्रिड के प्लेयर को एक पेनल्टी दी गई। सेल्टा के गोलकीपर की तरफ से एक ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए पेनल्टी के को सेव कर लिया। दोनों टीमों की तरफ से एक कांटेदार मुकाबले होने के बाद 81वें मिनट में इंग्लैंड के मायनास प्लेयर बेल्जियम ने गोल करके रियल मैड्रिड को 1-0 से बढ़तरी हासिल करा दी। और इसी के साथ रियल मैड्रिड ने सेल्टा को 90 मिनट के अहतमाम पे 1-0 से शिकस्त दी। और इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर बेल्जियम ने एक गोल करके प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल कर लिया। तो नाजरीन, ये थी आज की स्पोर्ट्स एनालिसिस। हर किस्म के स्पोर्ट्स न्यूज़ से खबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब